नमस्कार, मैं हूं सुमंत कुमार और एपीएन में आपका स्वागत है। दिवाली का त्यौहार करीब आ चुका है और ये एक ऐसा त्यौहार है जिस त्यौहार के मौके पर कारोबारियों को साल भर में सबसे ज्यादा कारोबार की उम्मीद रहती है। ऐसे में ये जानने और समझने कि बाजार का मिजाज क्या है, कारोबारी जिस तरीके के कारोबार की उम्मीद कर रहे थे क्या उस तरह की रफ्तार बाजार में है, इन तमाम बातों को जानने समझने और टटोलने के लिए एक बार फिर एपीएन की टीम देश के राजधानी दिल्ली में सबसे पुराने और ऐतिहासिक बाजारों में से एक चांदनी चौक पहुंच चुका है। और आप देख सकते हैं कि हमारे इस खास ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं जो सालों से नहीं कई कई दशकों और पीढ़ियों से अलग अलग तरीके के कारोबार में यहां पे जुड़े हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं। तो आइए सीधे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में कारोबार की रफ्तार है क्या। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं, दिवाली का त्यौहार करीब है, क्या रफ्तार क्या है बाजार की? नमस्कार, मैं दरीबा ज्वेलर्स एसोसिएशन से संबंधित हूँ। ज्वेलरी का हमारे यहाँ सोने चांदी के सिक्कों का बहुत बड़ा व्यापार होता है, तो व्यापार है लेकिन जितना अपेक्षा रहती है दीपावली पर उससे कुछ कम है। बाजार के जो हालात हैं वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी सरकार की नीतियाँ हैं हमें वो पिछले 4 साल में कहीं भी ऐसी नहीं नज़र आई कि वो व्यापारी के लिए कुछ भी सोच रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी हो चाहे वो GST हो। अगर सरकार थोड़ा सा भी व्यापारी की तरफ सोचती तो उनका ये हमारी तरफ इस तरीके का जो व्यवहार है वो कहीं भी हमारे व्यापारियों के हित में नहीं है। चलिए, हाँ। बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया, आपसे जानना चाहेंगे कि सवाल सरकार तो कह रहे गरीबों की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, क्या सरकार की नीतियों के केंद्र में व्यापारी भी है क्या? चूंकि सरकार तो यही कह रही है कि एक देश एक टैक्स, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा हमने टैक्स रिफॉर्म लागू कर दिया। भाई साहब, ऐसा है जैसे आपने कहा कि सरकार गरीबों की किसानों की बात कर रही है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये भी एक जुमलेबाजी है, क्योंकि जो हमारी दुकानों पर जो लोग काम करते हैं 12,000-15,000 के अंदर वो अपने बच्चे भी पालते हैं, भाड़ा भी चुकाते हैं, रोटी भी खाते हैं, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं उनके, वो मेडिकल भी सारी उसके अंदर, दवाइयाँ भी अपनी बीमारी हारी बीमारी सारी उसी के अंदर यूज़ करते हैं। क्या वो अमीर आदमी है? जो हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं क्या वो अमीर आदमी है? 12,000 रुपये महीने में जो अपना परिवार चला रहा है वो तो अमीर आदमी नहीं हो सकता। आज की स्थिति ये है कि मेरे पास 15 कर्मचारी हुआ करते थे, आज 8 कर्मचारी हैं, क्योंकि मेरा व्यापार घट गया। अगर मेरा व्यापार बढ़ता तो मैं 15 की जगह 30 कर्मचारी रखता। आप मुझे एक बात बताइए कि जो मैंने 8 कर्मचारी हाथ जोड़ करके जो मैंने विदा कर दिए, क्या वो गरीब नहीं थे? तो कहाँ सरकार ने गरीबों का, क्या उनको IAS बना दिया सरकार ने? तो वो तो कहीं ना कहीं धक्के खा रहे होंगे ना। तो ये तो हुई गरीबों की बात। अब रही बात किसानों की, देखिए मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, मैंने पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है और मैंने जो देखा है, इस देश को जो भी कोई देता है वो दो कम्युनिटी इस देश को मेनली देती हैं। एक किसान जो अन्नदाता है, अन्न उगाता है और लोगों का पेट भरता है। एक व्यापारी जो व्यापार करके देश की आर्थिक स्थिति ठीक करता है, GDP सुधारता है, देश के खजाने को रेवेन्यू देता है और जिससे सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उसी से चलता है, ब्यूरोक्रेसी भी उसी से चलती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो प्रशासन दे रही है, ब्यूरोक्रेसी कोई प्रोडक्टिविटी तो दे नहीं रही कि भाई कोई पैसा पैदा कर रही है या अन्न पैदा कर रही है। लेकिन आज पिछले 4 साल से, खासकर दिल्ली के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतनी मार हमारे ऊपर पड़ी है, पहले नोटबंदी चलो हमने झेल ली, उसके बाद में GST, हमने सोचा हो सकता आगे जाकर के इसका कुछ फायदा हो, लेकिन अब ये जो पीछे जो सीलिंग की जो मार है, इससे जो आदमी भयभीत हैं, व्यापारी इतना भयभीत है कि कोई जितनी जरूरत है वो अपने घर खर्चे निकाल रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पिछले 2 साल पहले हम हर साल में अपनी ग्रोथ काउंट करते थे कि भाई इस बार हमने 10% एप्रिसिएशन किया है, इस बार हमने 15% की ग्रोथ की है। अभी स्थिति यह है भाई साहब, पिछले 2 साल से मैं बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड के ऊपर मेरी जिंदगी चल रही है। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया कि जिसकी बात करें कि सीधे तौर पे कि कारोबारी अगर कमाएगा तो निश्चित रूप से सरकार को टैक्स भी देगा, लेकिन वाकई जिस तरह से सरकार की नीतियां रही है, वाकई जिस तरह से सरकार की पॉलिसीज रही है, खासकर अगर हम दिल्ली की बात करें तो निश्चित रूप से कारोबारियों में नाराजगी, उतना उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। आपसे अगर हम जानना चाहें, क्या सोचते हैं आप, क्या हालात हैं बाजार के?
जो कुछ भी मैंने देखा है बस इतना ही महसूस हो रहा है कि बाजारों में भीड़ भाड़ तो बहुत है, जहाँ देखो चाई चौक देखो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, किनाई बाजार देखो चलने के लिए जगह नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद ग्राहक नहीं है दुकानों के ऊपर। दुकानों पर ग्राहक इतना नहीं है जितना होना चाहिए था हर साल से। बिल्कुल, देखिए एक सवाल यहाँ से उठा कि दुकानों में बाजारों में भीड़ है बट दुकानों में जितने ग्राहक होने चाहिए उतने ग्राहक नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के हालात है। चांदनी चौक सदर बाजार ये वो बाजार है जो जिनका इतिहास देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है, आज़ादी के इतिहास से जुड़ा हुआ है, क्या मिजाज है इस बार बाजार का? देखिए बाजार का मिजाज बहुत हल्का है, पर मुझे लगता है, मुझे ये पूरी आशा है कि बाजार रफ्तार पकड़ रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ये जो नीतियाँ हैं ये लॉन्ग टर्म की नीतियाँ हैं, इनमें 3 साल 4 साल 5 साल बाजार को उभरने में लग जाएंगे और रफ्तार पकड़ रहा, धीरे धीरे पकड़ता चला जाएगा। सर बाजार में जो काम होना चाहिए, हम लोगों को लगा था कि शायद इस बार कुछ अच्छा काम होगा, कुछ पिछले साल जैसे रहा काम थोड़ा हल्का रहा बाजार के अंदर, हमें लगा कि शायद हो सकता अच्छा होगा, लेकिन वो वाली बात नहीं आई जो बाजार में आनी चाहिए थी। दिवाली का भी हमने और जगह बात करी, लोगों से बात होती है भाई, वो कहते हैं कि यार इस साल ये काम नहीं है वो काम नहीं है। अब देखो क्या होता है भाई, अभी तक के हिसाब से तो हमारे लोगों को बाजारों में काम नजर आया नहीं। बिल्कुल, अच्छे दिनों की बात की गई थी, क्या अच्छे दिन व्यापारियों के अच्छे दिन आए क्या? मेरे ख्याल से तो कुछ 4-6 परिवारों को छोड़ करके किसी के भी अच्छे दिन नहीं आए। जो 4-6 परिवार थे जो मोदी जी के प्रिय रहे होंगे शायद, तो उनके उनकी तो खूब तरक्की हो रही है, क्योंकि अभी आपने पीछे रिपोर्ट देखी होगी कि स्वीडन में अभी रिपोर्ट आई है कि वहाँ पर खूब सारा काला धन अभी फिर जमा हुआ है। जो मेन मकसद था काला धन बचाने के लिए, उसमें हम सब का जो हमारा मेहनत का पैसा था वो भी सारा मार्केट से निकल गया। बनिए का मतलब होता है जो सबसे बना के चले और सबको उठा के चले, ये त्यौहार ही ऐसा है। पहला अक्षर है दीप और दूसरा है, दूसरा शब्द अली, यानी मुस्लिमों का भी वर्ड इसमें लिया गया है, हिंदुओं का भी लिया गया है, इसमें सोने से लेकर के और मिट्टी तक बिकता है, दीपक मिट्टी के होते हैं। हर व्यापार को, हर व्यक्ति को जीवन भर का रोजगार, साल भर का रोजगार मिलता है इसमें। यदि व्यापारी की कमर तोड़ दी तो समझ लो सारे समाज की कमर तोड़ दी। दिल्ली का दिल कहा जाने वाला चांदनी चौक का बाजार है जो कि सबसे पुराना है, ऐतिहासिक है, मुगलकालीन है, सारा का सारा बिजनेस यहीं से चलता है। अगर मैं लाल किले से लेकर फतेहपुरी तक जाऊं तो जो दिवाली से रिलेटेड बाजार है जिसमें दिवाली की खरीदारी होती है, उसमें सबसे पहले बाजार आता है भगीरथ पैलेस, दूसरा बाजार आता है दरीबा जिसके अंदर किनारी बाजार भी है, तीसरा बाजार आता है खारी बावली, और अगर मैं थोड़ा सा और आगे चला जाऊं तो वो है सदर बाजार, जहां पर ज्यादातर खरीदारी दिवाली से रिलेटेड होती है। इसी के आगे आजाद मार्केट है जहां पर लोग क्रॉकरी खरीदने आते हैं। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हिम्मत ना करें, सिर्फ कोशिश करें उन बाजारों में जाने की, उनके अंदर कदम रखने की। आप पैदल नहीं चल सकते उस बाजार के अंदर, इतनी भीड़ है, इतना ग्राहक है इन बाजारों के अंदर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन बाजारों में भेड़ बकरी आ गए हैं? यहाँ लोग नहीं है, कुत्ते बिल्ली आ गए हैं, यहाँ पर ग्राहक है जो कि खरीदारी करने दिल्ली के बाजारों में आ रहा है। अगर दुकानदार उस भीड़ को ग्राहक में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं ये दुकानदार की कमी है, ये व्यापारी की कमी है, काम में कोई कमी नहीं है। इनका ये कहना है कि सरकार की नीति अच्छी है, नीयत अच्छी है, हालांकि चूंकि दौर शुरुआती है लिहाजा नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं, यही वजह है कि लोगों में कहीं ना कहीं निराशा है। हालांकि ज्यादातर लोगों की राय यह है कि बाजार में उस तरह की रौनक, उस तरह की रफ्तार नहीं है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि बाजार में इस वक्त क्या रफ्तार है, चूंकि सरकार के दावे हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया कारोबारियों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, लेकिन हम चूंकि चांदनी चौक में हैं सीधे कारोबार की बात करेंगे, कारोबारियों की बात करेंगे, दिवाली के मौके पर किस तरह का कारोबार है? सर व्यापारी हमेशा उम्मीद पर कायम है, व्यापारी को ये उम्मीद रहती है आज काम नहीं है सही, कल सही होगा, कल सही होगा। जैसे कि मोदी सरकार ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे? व्यापारी उम्मीद कर रहा है कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये नहीं पता उसके अच्छे दिन कब आएंगे। उम्मीद कर रहा है कि उसके अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन एक सवाल ये भी है कि सरकार अब अगले कुछ महीनों में तो चुनाव में जाने वाली है, तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रहा अच्छे दिन लाने के लिए। क्या क्या लग रहा है कि इतने दिनों में आएगा या आ गया? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एक हमारे रामचरितमानस में एपिसोड आता है कि वो लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, तो अगर ये माने कि व्यापारी को अच्छे दिन वो संजीवनी बूटी थी, तो अगर वो अच्छी संजीवनी बूटी आने में सुबह हो जाएगी तो फिर उसका लाभ क्या है? एक सवाल और ले लेते हैं कि अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है कि RBI के गवर्नर उर्जित पटेल
और सरकार के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और पहली बार ऐसा हो सकता है कि सरकार आरबीआई एक्ट का जो सेक्शन सेवन है वो भी इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या माना जाए कि सब जिस तरह से आरबीआई बीच बीच में कहा कि नोटबंदी का फ़ायदा नहीं हुआ, कि उतने पुराने नोट वापस ही आ गए, क्या स्टेटस है? सर कहना तो यही है कि सारे के सारे पुराने नोट वापस आ गए, लेकिन हमारा तो अभी भी ये मानना है कि अभी भी बहुत सा पैसा बाहर के देशों में पड़ा हुआ है। अगर वो सब पैसा वापस आ जाता ना तो शायद सरकार इसका सही तरीके से जवाब भी नहीं दे पाती कि ये क्या हुआ। एक सवाल लेंगे आपसे कि नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा नारा था, और नोटबंदी के पीछे भी यही तर्क दिया गया, तो क्या लगा कि नोटबंदी से कालाधन कितना वापस आया और बाजार पे जो इम्पैक्ट हुआ वो बाजार संभल पाया कि नहीं अभी तक? देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, हिंदुस्तान दो जगह हिंदुस्तान है, एक लुटियंस जोन का हिंदुस्तान है और एक जो गाँव में और गलियों में और जो कस्बों में जो बसता है वो हिंदुस्तान है। जो लुटियंस जोन का हिंदुस्तान है उसकी वो काउंटिंग करता है शेयर बाजार से, कि शेयर बाजार का सूचकांक ऊपर चढ़ गया मतलब बाजार अच्छा हो गया, शेयर बाजार नीचे आ गया मतलब नीचा हो गया, जबकि यहाँ का जो एक्चुअल जो भारत है वो बसता है गाँव में, कस्बों में, गलियों में, वो जो भारत बसता है ना उसकी हालत इतनी त्रस्त है कि मैं कह रहा हूँ घर परिवार में भी आप जा करके देखेंगे पहले जो हालत थी आज आदमी जैसे तैसे करके सर्वाइव कर रहा है मात्र। कि हमारे मोदी जी कहे थे कि देश में अच्छे दिन आएंगे, उसके बाद भी सब कुछ तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन देश में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जिससे आम आदमी बिल्कुल परेशान है, इससे हर चीज़ में दिक्कत आ रही है, जिसे कारोबार में और भी बिजनेस लाइन में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक सवाल आपसे लेंगे कि बातें सरकार की तरफ से हो रही है ये बात सच है, लेकिन जो एक मुद्दा बन रहा है कि विजय माल्या देश से भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए, अगर वाकई चौकीदार इतना मजबूत था तो ऐसी स्थिति क्यों आई? देखिए वो क्यों भाग गए तो बहुत बड़ा विषय है डिबेट का, इस बारे में तो एक आम आदमी तो उस विषय के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, पर मैं ज़रूर मानता हूँ कि ये बात सही है कि जो कुल गिने चुने लोग हैं, जो टोटल 10% आबादी का है, वो एक अलग श्रेणी में आते हैं और बाकी 90% अलग श्रेणी में आते हैं, उन 90% के लिए सरकार को बहुत कुछ करना है और अभी उसमें काफ़ी काम होना बाकी है, वो होगा ज़रूर, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मैं दो बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गांव देहात में जो लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इस बात को मानने को राजी हैं कि जहां पर पगडंडी नहीं थी वहां सड़क पहुंच गई है, जहां पर दीवारें नहीं थी वहां छत डल गई है। दूसरी और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग हनुमान जी से संजीवनी बूटी की अपेक्षा रखते हैं, मैं उन लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि संजीवनी बूटी लेने के लिए पहले आपको राम और लक्ष्मण बनना पड़ेगा, तभी संजीवनी बूटी मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, और समय रहते हुए ये सब कुछ आएगा और ये चेंज होगा और बदलाव होगा। चलिए वक्त रहते चेंज होगा, बदलाव होगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब सरकार के पास ज़्यादा वक्त है नहीं, चूँकि अगले कुछ महीनों में सरकार चुनाव में जाएगी, तो जल्दी जल्दी से अब संक्षेप में हम कमेंट लेंगे कि जो मुद्दा आजकल है कि भाई ये तमाम लोग पैसे लेके भाग गए, सरकार कुछ नहीं कर पाई, आरबीआई मतलब वित्त मंत्री और आरबीआई के बीच हालात अच्छे नहीं है, तो क्या माना जाए कि वाकई जो चिंता देश के इकोनॉमिस्ट जाहिर कर रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्या वाकई ऐसी स्थिति है क्या? देखिए मैं एक बात कहूँगा कि ये तो जानना बहुत कठिन है अंदर खाने क्या हो रहा है, लेकिन ये अच्छे चिन्ह नहीं है कि सीबीआई आईबी में झगड़ा हो रहा है, आरबीआई और गवर्नमेंट में टेंशन है, ऐसा कभी आज तक इतिहास में हुआ नहीं है। दूसरी बात ये, इससे आम जनता और आईएलएंड एफएस जैसे अगर और कांड हो गए तो हमारा बैंकों पे से ही भरोसा ना उठ जाए, तो ये हमें इसकी तरफ ध्यान करना चाहिए। व्यापारी वर्ग तो तेजी मंदी झेल लेगा, लेकिन अगर हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है तो वो बहुत कष्टदायक हो जाएगा, एक बार कॉन्फिडेंस उठ गया तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या सरकार को कारोबारी वर्ग को अपने विश्वास में लेने के लिए कुछ और कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि कारोबारी बहुत उम्मीद नहीं दिखाई दे रहे हैं सरकार? बिल्कुल, ये मेरा मानना है कि कारोबारियों का जो विश्वास है वो सरकार के ऊपर से पूरी तरह से उठ चुका है, क्योंकि पिछले 4.5 साल का जो पीरियड रहा है उसमें फिर वही बात आ जाती है कि सरकार ने व्यापारी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं सोचा है। जीएसटी लागू करने से पहले सरकार ने कभी किसी व्यापारी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। जीएसटी लागू हो गई, जीएसटी के अंदर परेशानी हो गई, सरकार की पगथलियां गर्म हो गई, मेरी बात समझिए, सरकार को जब छाले पड़ने लगे तो व्यापारियों को बुला बुला करके उनकी सलाहें मांगने लग गए। जल्दी जल्दी से कमेंट लेंगे, क्या कहेंगे, वाकई जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जीएसटी चलिए बढ़िया था लेकिन शायद जितनी तैयारी सरकार को करनी चाहिए थी उतनी तैयारी नहीं हो। जीएसटी लगने के बाद व्यापारी के पास कस्टमर की कमी है, कस्टमर बहुत रेयर कस्टमर रह गया, अब जिसको एक चीज़ पहले लेनी थी 1000 रुपये की, अब वो लेने के लिए सोचता है कि मेरे को आगे जीएसटी पे करना पड़ेगा, उस चीज़ को लूँ तो लूँ कैसे लूँ,
लूं कि नहीं लूं। चलिए, जो दावा किया जा रहा है कि जीएसटी से बहुत पारदर्शिता आ गया, दम है सरकार की बातों में? भाई कहने को कह सकते हैं दम है, लेकिन भाई बाजार में ग्राहक नहीं है तो उससे फिर दम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं है। चलिए, इनका कहना है भाई बाजार में ग्राहक हो और कारोबार चले, व्यापारियों के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा वही है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, लिक्विडिटी जब कम हो जाती है तो आदमी को कहीं ना कहीं कटौतियां करनी पड़ती हैं। जब मोदी जी आए थे लोगों में बहुत सारी आशाएं थी, लेकिन अगर प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो चार साल के अंदर जब से डिमोटाइजेशन किया है और जीएसटी को लगाया है, जीएसटी को इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट करा कि पूरे रूल्स नहीं बन पाए और आज भी एक साल पूरा होने वाला है, 1 जुलाई से लागू हुआ था 2017 से, कि आज तक जीएसटी की रिटर्न सही नहीं भरी जा रही लोगों की, क्योंकि लोग परेशान हैं और उसमें रिवीजन का प्रोविजन नहीं है। एक तरफ तो व्यापार का ये परेशानी है, डिमोटाइजेशन से पैसा बाजार से गायब हो गया है, उसकी वजह से बाजार में भीड़ें तो नजर आ रही हैं लेकिन व्यापारी खाली बैठा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट आधा हो गया है, व्यापारी ने आधे लोगों को निकाल दिया, ज्वेलर्स का काम खत्म हो गया, कपड़ा लोग खरीद नहीं रहे हैं। किसी भी तरीके से अगर आप देखें डॉलर जो है कहाँ पहुँच गया, आप ये देखिए क्या ना पेट्रोल की हालत को देखिए, एक तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है, काबू में नहीं है स्थिति, शेयर बाजार को देख लीजिए, शेयर बाजार ने अपना हाल बुरा किया हुआ, रोज कभी 1000 पॉइंट गिर जाता है, कभी 500 पॉइंट गिर जाता, जो मीडियम आदमी है वो बर्बाद हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो मोदी जी की स्कीमें थी वो कामयाब नहीं हो रही हैं। जो मोदी जी की स्कीम थी वो कामयाब नहीं हो पाई, एक छोटा सा कमेंट आपका क्या कहेंगे? देखो जी, अभी आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया था कि विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, तो चोर भागना तो सीखे कम से कम सरकार की शक्ति से। अब तक तो चोर यहीं रह करके खून पी रहे थे, पता भी नहीं था, साहूकार बन रहे थे। नीति सख्त होती है और जब नीति का प्रयोग किया जाता तो पीड़ा भी होती है, लेकिन वही नीति को उत्थान कर देती है और उत्साहित करती है, इसलिए चिंता की विषय नहीं है। भगवान की कृपा रही, सब्र करेंगे, देश में निश्चित तौर पर उत्थान होगा और ये शक्तियाँ काम आएगी। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? वाकई इनका जो कहें, कितने सहमत हैं आपकी, वाकई सरकार की शक्ति है इसलिए भाग गए, लेकिन अपोजिशन तो कह रही है कि भाई अगर भाग गए तो आपने रोका क्यों नहीं? मैं आपके माध्यम से मैं इतना तो कहना चाहूँगा कि जो सरकारी तंत्र है अगर वो अपने अपना काम अपने तरीके से करता रहे, जैसे मान लीजिए सड़कों पे बहुत भीड़ रहती है, ट्रैफिक पुलिस वाले चालान तो काटने में लगे रहते हैं लेकिन ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करते। दिवाली का माहौल है, दिवाली के माहौल के हिसाब से अगर सरकारी तंत्र अपना सारा काम तरीके से करे तो जो भीड़ भाड़ है वो कंट्रोल में रहेगी और सारे काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। एक एक सवाल लास्ट आखिरी पड़ाव पे, कि ये बात तो सच है कि नीतियां सरकार की ही प्रभावित करती हैं, लेकिन वाकई पहले डिमोनेटाइजेशन फिर जीएसटी, चुनाव से पहले की आखिरी दिवाली, क्या आखिरी उम्मीद क्या कर रहे हैं इस दिवाली पे? देखिए, हमारे भारतीय परंपरा का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली, और त्यौहार हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे बुज़ुर्गों ने इसीलिए बनाए हैं कि अच्छाई की जीत होती है बुराई पर और एक नया उमंग, नई उल्लास आती है, तो उस नए उमंग नए उल्लास के साथ लक्ष्मी जी का हम आह्वान करते हैं। ये तेजी मंदा तो चलता रहेगा लेकिन जीवन भारत ने बहुत गुलामी भी देखी है, सब देखी है, तो आज तो उससे हम बहुत स्वतंत्र हैं, इस तरह की चर्चा भी कर पा रहे हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है कि थोड़ी सी हम अपेक्षा करते हैं सरकार अधिक संवेदनशील हो, सिर्फ जो व्यापारियों की समस्या उनको आकर बाजार में सुने, हमारे से सब बात करे। मन की बात में व्यापारी वर्ग का अभी तक कोई मेरे को संदेश नहीं मिला है, तो हम वो चाहते हैं अगली मन की बात में व्यापारी के बारे में बात। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आपकी बात जरूर हमारे कार्यक्रम के जरिए सुने। हालांकि अपोजिशन भी ये बात कहता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं लेकिन जनता के मन की बात नहीं करते हैं, व्यापारियों के मन की बात नहीं करते। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कितनी बारी ही प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कही लेकिन उन्होंने कभी भी व्यापारी वर्ग के बारे में नहीं बोला है। लेकिन अभी इलेक्शन में समय है, हम यही चाहते हैं कि शायद हमारा व्यापारी वर्ग का भी नंबर आएगा, ठीक है ना? और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्या वाकई जिस तरह आपके बाकी साथी होपफुल हैं, आपको भी उम्मीद है क्या कि मन की बात में व्यापारियों को भी जगह मिलेगी और शायद उनका दर्द कुछ कम हो पाएगा? ऐसा है सुमन जी, 4.5 साल में तो मिली नहीं, अब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी होप की बात आप कर रहे हो तो हम तो उस कम्युनिटी से आते हैं, हम तो जैसे वो कहते हैं ना चूहे के बच्चे को बिल खोदना सिखाने की जरूरत नहीं है, हम तो हर परिस्थिति में बिल खोदेंगे, हर परिस्थिति में अपना पेट भरेंगे, चाहे सरकार कुछ भी नीतियां बनाए। ध्येय अनिष्ट कंटक पथराही, हम जलते अंगारे हैं, हम तो अपने रास्ते पे चलते रहेंगे, हमारा चाहे कितने कांटों भरा रास्ता हो हम चलते रहेंगे। चलिए, कितना भी कांटों भरा रास्ता हो ये चलते रहेंगे, बहुत ही उम्मीद की बातें इन्होंने की है। अब आखिरी पड़ाव पे हैं इसलिए जल्दी जल्दी ये कमेंट ले रहे हैं। सर क्या कहेंगे,
अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया दिवाली में भी, और ये भी सच है कि चुनाव में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। क्या उम्मीद है इस चुनाव से पहले आखिरी दिवाली पे किस तरह के कारोबार की उम्मीद है? देखिए अभी भी समय है, अगर मोदी जी को चाहिए कि व्यापार को ठीक करना चाहते हैं तो GST के अंदर एक तो प्रोविज़न ये लाएँ एक सर्कुलर के माध्यम से या लॉ कमेंट करके कि वो व्यापारी जो है अपनी रिटर्नों को रिवाइज कर सके, और एक फर्स्ट ईयर के अंदर और सेकेंड ईयर के अंदर पेनल्टीज का प्रोविज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग अनएजुकेटेड है। आप समझते हैं सारा देश एजुकेटेड है, कंप्यूटराइजेशन आपने कर दिया, लेकिन एजुकेशन बहुत कम है, तो उस लिहाज से आपको पेनल्टी प्रोविजंस को चेंज करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है कि दीपावली हिंदुओं का और क्या पूरे देश का एक ऐसा त्यौहार है जिसे सब लोग मिलकर मनाते हैं। दीपावली के ऊपर आप कल देखिए खारी बावली में, परसों भी और कल भी जो है ना इनकम टैक्स रेट डिपार्टमेंट वाले आए हुए थे। ये ऐसा दुखद बात है कि त्यौहार के ऊपर भी सरकार जो है व्यापारियों को तंग करती है, व्यापारी काम नहीं कर सकता है, वैसे बाजार में व्यापार की कमी हो रही है, इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या इस दिवाली किस तरह के कारोबार की उम्मीद है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है आने वाले 6 महीने के अंदर सरकार कुछ ना कुछ अच्छा कदम उठाएगी जिससे लोगों में जो रोष है वो थोड़ा सा दूर होगा। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और केंद्र सरकार को अपने दिल का ध्यान रखना चाहिए। क्या वाकई दिल का ध्यान नहीं रखा जा रहा है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिल का ध्यान रखा जा रहा है। बाकी दिवाली का बाज़ार अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली इस बार एक चेंज है कि इस बार नवंबर और दिसंबर में जो हिंदू वेडिंग्स हुआ करती थी, जो हिंदू शादियां हुआ करती थी, वो इस नवंबर और दिसंबर में साए नहीं है। नवंबर में सिर्फ एक साया है और दिसंबर में सिर्फ 2 साए हैं। ये भी एक कारण है ज्वेलरी मार्केट और इस तरीके की मार्केट में कमी होने का। बाकी दिवाली का बाज़ार ठीक है, अच्छा है, धीरे धीरे अपनी पेस पकड़ लेगा। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। दूसरी बात, ये जो पटाखों पर बैन लगाते हैं, ये एक दिन के पटाखे बचाकर कुछ नहीं होना। बच्चों का त्यौहार है, बच्चों को पटाखे जलाने दिए जाएं, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और चीजें जिसमें हम पॉल्यूशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन है, मोटर बाइक्स हैं, मोटर कार्स हैं, उनको देखना चाहिए, पटाखों पे छूट जरूर देनी चाहिए। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जो है कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं और हमारी कोशिश यही थी कि देश के सबसे पुराने और ऐतिहासिक बाजार चांदनी चौक में आने के बाद हम अलग अलग क्षेत्रों के जुड़े कारोबारियों से बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि इस दिवाली किस तरह के कारोबार की उम्मीद है। बड़ा ही मिक्स्ड ओपिनियन है, हालांकि ज्यादातर लोगों की राय है कि नोटबंदी और GST लागू होने के बाद जो बाजार की रफ्तार सुस्त हुई थी वो अभी उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रही है। हालांकि कुछ लोग अब भी ये होपफुल हैं कि जो बचा हुआ वक्त है सरकार का चुनाव में जाने से पहले, उस वक्त में अभी भी सरकार कुछ ना कुछ व्यापारियों के लिए जरूर कदम उठाएगी ताकि व्यापार रफ्तार पकड़ सके। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए APN के साथ और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।